बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा सीता का हरण करने के लिए साधु के भेष में घूम रहे हैं राहुल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा अपने चरम पर है, लेकिन सूबे में जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नेताओं की जबान भी तेजी से फिसलनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी के बयानवीर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना रामायण के खलनायक रावण से की है। दरअसल बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी की तुलना रावण से करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि प्रजातंत्र रूपी सीता का हरण करने के लिए राहुल साधु के भेष में घूम रहे हैं। राहुल गांधी के मंदिर जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने रामचरितमानस पढ़ी है जिसमें बताया गया है कि रावण माता सीता का हरण करने साधु के वेश में गया था। ये रावणी मानसिकता है कि प्रजातंत्र की सीता का हरण करने के लिए हम गले में दुपट्टा डाल लें, जनेऊ पहन लें और तिलक लगा लें, लेकिन जनता सब समझती है और वो इस रावणी प्रवृत्ति के साथ कभी नहीं जा सकती। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी नहीं बख्शा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके वीडियो पर तंज कसते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय ने ये बात अपनी कुंठा में कही है। आमतौर पर नर्मदा परिक्रमा के बाद लोगों में वैराग्य का भाव आ जाता है, लेकिन इस धार्मिक यात्रा के बाद भी दिग्विजय में वैराग्य का भाव नहीं आया है, लिहाजा कांग्रेस ने उन्हें वैराग्य प्रदान कर दिया है। बीजेपी नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि दिग्विजय को चुनावी सभाओं में भाषण देने से रोका जाता है, हम तो चाहते हैं कि वो इन सभाओं में खूब भाषण दे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां लगातार चौथी बार सत्ता पर काबिज होना चाहती है, जबकि कांग्रेस प्रदेश में अपने 15 साल के वनवास को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन सूबे की सत्ता पर किसका कब्जा होगा ये तो 11 दिसंबर को ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।